हेलो वेलकम बैक टू मूवी बिज। जैसा कि आप जानते हैं कि बॉलीवुड इज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ ट्रबल्ड वाटर्स। सारी पिक्चरें चल नहीं रही है, बहुत बुरा हाल है। सबकी उम्मीदें थी लाल सिंह चड्ढा पे और रक्षाबंधन पे, मगर रक्षाबंधन एंड लाल सिंह चड्ढा भी कुछ नहीं कर पाई बॉक्स ऑफिस पे। एंड वी आर ऑल रियली फीलिंग वेरी सैड एंड वेरी डिप्रेस्ड। क्या होगा, क्यों नहीं चल रही पिक्चरें, क्या प्रॉब्लम है ये कि लाल सिंह चड्ढा भी फ्लॉप, इवन शमशेरा तो हो ही गई थी, इवन रक्षाबंधन अक्षय कुमार बॉक्स ऑफिस क्या हो रहा है। रक्षाबंधन न चलने की वजह थी इसका सब्जेक्ट बहुत ही खराब था, एक आउटडेटेड सब्जेक्ट, एक दकियानुसी थॉट। एक माँ बोल रही है बेटे को कि जब तक चार बहनों की शादी नहीं हो जाए शादी मत करना, वो थॉट आज की डेट में नहीं चलता। ऐसी बहुत सारी सीरियलें आपको नजर आ जाएंगी जिसमें ऐसे सब्जेक्ट चल रहे हैं और दर्शकों ने पूरी तरह से पिक्चर को नकार दिया। और अक्षय की लाइन से छठी फिल्म फ्लॉप आई है, खाली एक सूर्यवंशी को बीच में छोड़ देते हैं। सूर्यवंशी वाज ओपनर आफ्टर द लॉकडाउन आई थी, जिसने एक नई उम्मीद खड़ी की थी बॉक्स ऑफिस के लिए, मगर अभी जिस तरह पिक्चरें फेयर कर रही है बॉक्स ऑफिस पे, थिएटर्स का बिजनेस का हाल बुरा है। लाल सिंह चड्ढा पे बहुत उम्मीदें थी, आमिर खान पे भरोसा था, लेकिन लाल सिंह चड्ढा क्यों नहीं चली। सर दोनों फिल्में 11 अगस्त को रिलीज हुई जो बहुत पहले अनाउंस हो चुकी थी। इसकी एक ही वजह थी कि एक लंबा वीकेंड था, 8 दिन का लंबा एक्सटेंडेड वीक में 5 दिन की छुट्टियां थी। 11 तारीख को रक्षाबंधन, सैटरडे संडे हॉलीडे, मंडे को आपका 15 अगस्त नेशनल हॉलीडे, 16 को आपकी पारसी न्यू ईयर। इसके बावजूद दोनों फिल्मों का इतना बुरा हाल हुआ, आप सोच सकते हैं कि लाल सिंह चड्ढा ने 8 दिन में मुश्किल से 50 करोड़ कमाए, जबकि वही आमिर खान थी जिनकी फिल्म आई थी कब्स ऑफ हिंदुस्तान, जिसका पहले दिन का बिजनेस था 52 करोड़। वो ओपनिंग डे का बिजनेस भी 8 दिन में नहीं मिला आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा को। इसकी एक ही वजह नजर आती है लाल सिंह चड्ढा की, कि लोगों ने फिल्म को एंटी इंडिया देखा, आर्मी को बहुत ही बेहुदा रूप में पेश किया गया, और जो आर्मी का बैकग्राउंड था वो अमेरिका को सूट करते हैं, जो फॉरेस्ट हमें दिखाया है। हिंदी ऑडियंस के लिए वो टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट था। आप एक अपंग आदमी को, मेंटली चैलेंज को, जो ठीक से चल नहीं सकता है, हाइट 5 फुट 2 इंच की, ऐसे आदमी को कैसे आर्मी में भर्ती कर सकते हैं। तो लोगों को और सेंटीमेंट भी काफ़ी अगेंस्ट है पिक्चर के बारे में। बट इज इट ड्यू टू बॉयकॉट, क्योंकि बॉयकॉट 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 की हवा चल रही है, अभी पठान के पीछे पड़े हैं बॉयकॉट, तो डज अ फिल्म गेट अफेक्टेड बाय द बॉयकॉट बाय पीपल। आई डोंट थिंक एनी फिल्म गेट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ बॉयकॉट। अभी आमिर का चल रहा था लाल सिंह चड्ढा को इसलिए बॉयकॉट करो कि पीके में उन्होंने हिंदू सेंटीमेंट को हर्ट किया था, शिव जी भगवान की बेइज्जती की थी और पेशाब कर रहे हैं वगैरह वगैरह। अगर ऐसा था तो दंगल सुपरहिट क्यों हुई, दंगल ने करीब 400 करोड़ का बिजनेस किया, तो दंगल को भी बॉयकॉट करना चाहिए था। तो जहाँ तक मेरी समझ है, फिल्म अच्छी है तो चलती है, बॉयकॉट बॉयकॉट सब नाम के हैं जो सोशल मीडिया पे चंद लोग चलाते हैं और जो बोलते हैं बॉयकॉट, मालूम पड़ा रात को वही फिल्म देख रहे हैं आके थिएटर में। गुड फिल्म इज ऑलवेज लाइक अ सुनामी, वो बॉक्स ऑफिस की सारी हदें पार कर देती है। अगर पिक्चर अच्छी है तो ऑडियंस को कुछ फर्क नहीं पड़ता है बॉयकॉट को। कोई तो लोग बोलते हैं आमिर का खुद का प्रोपेगेंडा चलाया हुआ था, उनको लगता था कि फिल्म जब डेफिनेटली फ्लॉप होगी तो उन्होंने अपना 5 साल पुराना वीडियो निकाल दिया जिसमें किरण राव बोली है कि वी आर नॉट सेफ इन इंडिया, तो बोलते हैं खुद का गिमिक था। तो फ्लॉप होने का मट्टा मर दिया इन्होंने बॉयकॉट को, कि बॉयकॉट की वजह से पब्लिक नहीं आई। सच्चाई ये है कि फिल्म बहुत ही खराब थी और लाइफ टाइम बिजनेस का बिजनेस होगा करीब 60 करोड़ का, मतलब है कि प्रोडक्शन कंपनी के हाथ में आए सिर्फ 25 करोड़। फिल्म की लागत प्रोड्यूसर बोल रहे हैं कि 180 करोड़, मान लेते 180 करोड़, आमिर खान की फीस 100 करोड़ और प्लस 75 करोड़ के लिए बाकायदा राइट्स लिए थे फॉरेस्ट गम के। इस हिसाब से फिल्म देखा है तो 300 करोड़ के ऊपर की है और मात्र 25 करोड़ की रिकवरी बहुत ही शॉकिंग है। और न्यूज़ तो यह भी है कि नेटफ्लिक्स ने भी जो 160 करोड़ के राइट्स खरीदे थे वो रीनिगोशिएट कर रहे हैं, उनको ये प्राइस देने में बहुत तकलीफ हो रही है क्योंकि जब लोग थिएटर में नहीं गए तो नेटफ्लिक्स में क्या देखेंगे। तो यशराज फिल्म भी लॉस कर रहा है, आमिर खान फिल्म लॉस कर रहा है, अभी पठान फिल्म आ रही है, लेकिन उससे पहले ब्रह्मास्त्र आ रही है, सारी उम्मीदें ब्रह्मास्त्र पे है। शमशेरा पिटने के बाद रणबीर कपूर भी डिपेंड कर रहा है, बैक कर रहा है, अब क्या होगा इंडस्ट्री का, इतनी आई मीन मुझे हुआ मसला हुआ। अभी देखिए दोबारा फिल्म भी आई
2012 कश्यप की फिल्म तो खैर बताई था। पिक्चर मुझे लगता है जो फिल्म की लागत 2.5 से 3 या 4 करोड़ बननी चाहिए, आप वो 30-35 करोड़ फिल्म कैसे बता सकते हैं? आपने ऐसा क्या खर्चा किया कि फिल्म की लागत 35 करोड़ पहुंच गई? और आप खुद बोल रहे हो फिल्म को गर्म करने के लिए आपकी तापसी पन्नू, डायरेक्टर अनुराग कश्यप, कि हमारी फिल्म को बॉयकॉट करो। अरे बॉयकॉट क्यों करो भाई, लोग आपके थिएटर में जा ही नहीं रहे, तो आप किसको बोल रहे हैं बॉयकॉट करने के लिए? बॉयकॉट उसको बोलते हैं लोग थिएटर में जाने से रोकने के लिए, आपकी फिल्म को थिएटर जाने की तैयार ही नहीं है। सोचा शायद ये स्टंट काम आ जाए सर, ऐसे तापसी पन्नू जो इतनी बड़ी, उसका भी ओपनिंग नहीं लगता है, मान ही हो गया आज। सर सब्जेक्ट ही बहुत खराब था, ये सब्जेक्ट फॉरेन में भी नहीं चला, स्पेनिश फिल्म खुद फ्लॉप थी। ऐसी सब्जेक्ट जो बहुत ही चुनिंदा लोगों को शायद 0.01% को समझ में, उनके लिए फिल्म बनाई थी। आप फिल्में किसके लिए बनाते हो? मासिस के लिए, कि लोग देखें। आप बना रहे हो ऐसे सेक्शन के लिए जो थिएटर में नहीं जाते, तो उनके लिए डायरेक्ट उनको OTT में दिखा दो ना, थिएटर में रिलीज करके टाइम और समय वेस्ट क्यों करते हैं लोगों का? तो ये बहुत बड़ी डिजास्टर थी। दोबारा ये भी कल पिक्चर रिलीज हो रही है आपकी करण जौहर प्रोडक्शन की लाइगर, उसमें विजय देवगन की पहली फिल्म है हिंदी में, हीरोइन आदिना पांडे। लेट्स होप कि एक्शन वर्क करे, लेकिन जिस हिसाब से वापस ट्रेंडिंग है कि रूटीन स्टफ है, लोगों ने अभी से ही उसको डिसर्च करना शुरू कर दिया है, तो एक अच्छी ओपनिंग लेने के बाद मुझे नहीं लगता कि फिल्म सस्टेन कर पाएगी बॉक्स ऑफिस पर। मुश्किल है, आई आल्सो सस्पेक्ट इन स्पाइट ऑफ अनन्या पांडे एंड दिस बॉय इज कैरिंग गुड रिपोर्ट्स, बट द फिल्म हैज टू बी गुड। यहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ता है यशराज फिल्म्स है या अनुराग कश्यप है या जैकलिन फर्नांडिस है या तापसी पन्नू है या अमिताभ बच्चन ही क्यों ना हो, फिल्म में अगर दम नहीं है तो फिल्म विल नॉट क्लिक, दैट हैज बीन प्रूव। अभी सबसे बड़ा फिल्म आ रही है आपकी अक्षय कुमार की कठपुतली, हाँ उसका कैंपेन बहुत जबरदस्त है, लेकिन शॉकिंगली ये फिल्म क्यों भेजती है हॉटस्टार पर? ये रियली रिसर्च का विषय है। जैसे भगनानी जब अनाउंस की थी लॉकडाउन में फिल्म बेल बॉटम के बाद कि हम नई फिल्म शुरू कर रहे हैं, उस टाइम पे कोई अनाउंसमेंट नहीं था ऐसा कि ये कठपुतली OTT के लिए बनाई जा रही है, लेकिन फिल्मों का बुरा हाल देखते हुए बॉक्स ऑफिस पर शायद मेकर्स को लगा कि अगेन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप जाएगी, तो क्यों ना पहले इसी OTT में डील कर ली जाए। तो लिया जा दे सोल्ड इट ऑन हॉटस्टार, होप सो इट गेट गुड नंबर ऑफ व्यूअर्स एंड एटलीस्ट हॉटस्टार में ये तो नहीं होगा कि फिगर्स नजर आएंगे, अच्छे तो उसके नहीं चलेगी बॉक्स ऑफिस के फिगर्स नजर आएंगे तो इट अफेक्ट्स देयर स्टारडम। सर बॉलीवुड का स्टार्टअप खत्म हो गया, लोगों को अक्षय, शाहरुख, सलमान, रणवीर सिंह, रणवीर कपूर किसी से कोई मतलब नहीं है। आपका कंटेंट अच्छा है फिल्म चलेगी, कंटेंट खराब है लोग रिजेक्ट कर देंगे। स्टार प्राइसेस गिरनी चाहिए ना, 80-90% गिर जानी चाहिए स्टार प्राइसेस, तो इमीडिएटली गिर जानी चाहिए। अभी गिरना शुरू हो जाएंगे सर, जब भी उनको लग रहा है कि जब भी एक प्रोजेक्ट वायबल नहीं होता है। पहले तो क्या ये प्रपोजल मेकर थे, 100 करोड़ की पिक्चर बना के सोचते थे चलो 60 करोड़ OTT से आ जाएगा, 20 डिजिटल से आ जाएगा, 15-20 करोड़ थिएटर से इनकम हो ही जाएगी, ये लोग ये वर्किंग कर रहे थे। अब जब OTT से कम मिलेगा, डिजिटल से कम मिलेगा, तो डेफिनेटली इनके प्राइस कम होंगे और एक रियलिस्टिक सिनेमा बनना शुरू होगा। कंटेंट इज द किंग व्हिच हैज बीन प्रूव्ड एवरी टाइम, बट दिस टाइम अभी जो दौर चल रहा है सिर्फ कंटेंट ही सुपरस्टार है, कोई सुपरस्टार नहीं है। बॉक्स ऑफिस इज डिपेंडेंट ओनली ऑन गुड कंटेंट, गुड सब्जेक्ट, गुड फिल्म्स। सर कंटेंट के बावजूद मुझे लगता है कि कहीं ज़्यादा अच्छा कंटेंट OTT प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अगर फिल्म अच्छी भी होगी तो लोग थिएटर में नहीं जा रहे। आपको लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा करके थिएटर में अट्रैक्ट करना है कि थिएटर में आके देखे तो सही। अभी आमिर सिंह की लाल सिंह जैसा कितनी भी खराब पिक्चर थी, कम से कम ओपनिंग तो ढंग की मिलनी चाहिए थी। कहाँ 50 करोड़ की ओपनिंग थमता हिंदुस्तान और 10.5 करोड़ की ओपनिंग खाली लाल सिंह चड्ढा को, जो खाली 150, तो लोग थिएटर में घुसने को तैयार नहीं है, चाहे वो आमिर खान हो, अक्षय कुमार हो, कोई कपूर हो। ये सबसे बड़ा शॉकिंग है कि उनको थिएटर में कैसे लाया जाए। राजीव जी अभी ब्रह्मास्त्र का क्या लगता है ओपनिंग होगा, व्हाट इज द वेव, व्हेदर इज अ बिग फिल्म वी आर डिपेंड। हां 400 करोड़ की मेकिंग की फिल्म बोल रहे हैं, पार्ट 1 है। अगर पार्ट 1 खुदा ना करता नहीं चला तो मुझे नहीं लगता है कि पार्ट 2 पार्ट 3 तो आएंगे। नहीं बट फर्स्ट डे क्या लगेगा ओपनिंग, हम लोग जैसे एक स्टार की एक फिल्म की ओपनिंग होती है जो बॉक्स ऑफिस में जिसके लिए फेमस है, इसकी क्या लगता है फर्स्ट डे कितना? जिस हिसाब से ट्रेंड चल रहा है करंट में, कैसे 12 से 15 करोड़ मैक्सिमम ओपनिंग मिलेगी, जो कि एवरेज है, कोई बहुत अच्छी ओपनिंग नहीं है। इन स्पाइट ऑफ आलिया भट्ट एंड रणवीर कपूर, आलिया भट्ट का भी अपना एक बॉक्स ऑफिस ड्रॉ है, प्लीज अमिताभ बच्चन का अपना है, इस फिल्म का एक और बन रहा है या नहीं बन रहा है? सर ये लव स्टोरी नहीं है,
ये एक माइथोलॉजिकल फिल्म है जिसमें काफी फिक्शन ऐड किया गया है, ब्रह्मास्त्र, शिव और फायर ये सब्जेक्ट है, तो ऐसे सब्जेक्ट पता नहीं आज की यूथ एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी. लेकिन लोगों को फ्रेंकली उसके एनिमेशन और उसके VFX इतने अपील नहीं कर रहे हैं जैसे मार्वल की फिल्मों के होते हैं, उसके मुकाबले फिल्म काफी कमजोर नजर आ रही है. और इन जनरल व्हाट डू यू थिंक, साउथ का क्या लग रहा है अभी आपको? साउथ का जो वेव चल रहा था तो इज इट स्टिल नहीं, साउथ का वेव भी ऐसा कोई बड़ा वेव नहीं है, खाली गिनजुन के तीन ही फिल्में बहुत बड़ी हिट गई हैं आपकी, पुष्पा, KGF, RRR, उसके बाद फिल्म कोई नहीं चली. एक लेटेस्ट फिल्म आई है कार्तिक एटू जो बहुत ही कम कीमत में बनी थी, मात्र 15-16 करोड़ में, और फिल्म का वर्ल्ड वाइड बिजनेस है ओवर 70 करोड़. तो एक जेन्युइनली एक अच्छी फिल्म बनी है जो हिंदी के दर्शकों ने उसको सपोर्ट किया. फर्स्ट वीक का हिंदी का बिजनेस था 4 करोड़, लेकिन सेकेंड वीकेंड का बिजनेस था 8 करोड़. दिस वेरी वेरी गुड कलेक्शन फ्रॉम द हिंदी बेल्ट फॉर साउथ इंडियन फिल्म. Now, what is your opinion on शाहरुख खान एंड सलमान खान? तो खानों की बात कर रहे हैं, एक खान को भी सामने आ गया अभी. अब शाहरुख खान की पठान और सलमान खान की टाइगर 3 जो आने वाली है, उसके बारे में क्या लगता है? अभी सलमान की कभी ईद कभी दिवाली नाम है, कभी भाईजान है, सलमान खुद कंफ्यूज है कि पीछे का नाम क्या रखें. वो 30 दिसंबर रिलीज होगी और 23 जनवरी नेक्स्ट ईयर आ रही है पठान. पठान को लेके भी वायर है, डरा हुआ है कि अगर ये समझो ट्रेंड चलता रहा बॉलीवुड के स्टारों को बॉयकॉट का और लोग थिएटर में नहीं जा रहे तो इन दोनों फिल्मों का भी मतलब गंभीर परिणाम होगा बॉक्स ऑफिस में, इसमें कोई शक नहीं है. मतलब कुछ हद तक तो बॉयकॉट का असर पड़ता है, कुछ हद तक पड़ता है, लेकिन लोगों को सर प्रॉब्लम के थिएटर में जाने की इच्छा ही नहीं हो रही है. उल्टा कोई ड्रॉप कम हो रहा है, बॉयकॉट बॉयकॉट बोल के लोग डर डर के जा रहे हैं. सर सब्जेक्ट मैं ज्यादा आगे ना करूँ, लोगों को थिएटर में दिलचस्पी नहीं रहेगी. ऐसा फालतू सब जाके 500-700 की टिकटें खरीदे, पॉपकॉर्न पे 500-700 खर्चा करें, आदमी 1500 रुपये देखे, ऐसा फालतू सब देखने के लिए उनको जरा भी मंजूरी नहीं है. इससे कहीं बेटर स्टॉप OTT के 5-7 प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, लोग उसी में खुश है कि घर पे बैठ के अच्छा खासा मनोरंजन मिल रहा है, वो भी बहुत ही सस्ते दाम में. तो दैट इज वन मेन फैक्टर कि पीपल आर नॉट गोइंग टुवर्ड्स द थिएटर्स. So in a nutshell, OTT is the biggest competition to theaters today. OTT has almost demolished cinema business. So exactly, तो बॉलीवुड वालों को चाहिए कि OTT को फीडिंग बंद करें. अक्षय कुमार की फिल्म आ रही है, बाकी और भी आलिया भट्ट की अभी डार्लिंग आके गई, ऐसे स्टोरी लाइन से फिल्में रखी है. जब तक ये एक जाइंट को फीडिंग बंद नहीं करेंगे ना, लोग थिएटर में नहीं जाएंगे. सो दे नीड टू स्टॉप फीडिंग दी OTT प्लेटफॉर्म फर्स्ट. How do you say that? I mean, how do you describe that feeding? Feeding is जैसे project बन रहे हैं, OTT वाले उनको 50-60 करोड़ अच्छी कीमत दे रहे हैं, तो theater में क्यों दें? अभी तो negotiate हो कर रहे हैं अब ये काम. वो तो release के बाद का. अभी अभी जो fresh जैसे इसका कटपुतली का अच्छा price दिया होगा, क्योंकि direct OTT पे release है. Release के बाद का जो price मिलता है ना, वो बंद होना चाहिए. और जो अच्छे कंटेंट बनते हैं, जैसे कि नीरज पांडे हो, शिवम नायर हो, मनोज तिवारी, मनोज वाज, कितने आर्टिस्ट हैं जो सिर्फ OTT के लिए काम कर रहे हैं. काफी कुछ हाँ, तो लोगों को अच्छा खासा बॉलीवुड का एक बेनिफिट तो है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ योर थॉट्स. यू कैन डू ऑफबीट, यू कैन सेंसर नहीं है OTT पे. यू कैन डू इंटेलिजेंट सिनेमा, यू कैन डू एनीथिंग एक्सपेरिमेंटल सिनेमा. थिएटर्स में अभी भी कुछ दायरे में रहना पड़ता है, सेंसर बोर्ड भी है, और ऑडियंस को थोड़ा बहुत तो आप मद्देनजर रखते हुए करते हो कि यार आप पूरी इंडिया के लिए फिल्म बना रहे हैं. आई थिंक OTT हैज कम इन नाउ इन अ बिग वे, एंड थिएटर बिजनेस को संभालना पड़ेगा. सबसे पहले तो थिएटर बिजनेस को अपने टिकटों के भाव कम करने पड़ेंगे. बॉक्स ऑफिस नीड्स रिडक्शन इन थिएटर टिकट प्राइस. इवन पॉपकॉर्न, समोसा, वो सब की प्राइसेस कम होनी चाहिए, तब ही थिएटर बिजनेस ऊपर आएगा. और साथ में गवर्नमेंट को भी GST वगैरह टैक्सेस सब खत्म हो जाने चाहिए. आई थिंक फॉर एटलीस्ट 1 ईयर वी हैव टू गिव लाइफ सम काइंड ऑफ अ टॉनिक टू द बॉक्स ऑफिस, टू इंडियन सिनेमा टू कम बैक अगेन ऑन इट्स फीट. अदरवाइज OTT विल टेक ओवर. So with that thought, with that good wish, with that optimism for our Bollywood, we wind up here. Thank you so much, sir. Thank you. All the best. See you again.